Take a look at what happened. राष्ट्रपति पद के रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप पर शनिवार 13 जुलाई को पेंसिल्वेनिया में जो हमला हुआ उसके ठीक एक दिन पहले 12 जुलाई को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने डेट्रॉट मिशिगन की एक चुनावी सभा में डोनाल्ड ट्रंप के बारे में कुछ कहा था। जरा पहले उसे सुन लीजिए। He was convicted by a jury of his peers of 34 felonies for paying hush money to a porn star and hiding from voters in 2016. Donald Trump was found liable for sexual assault by a judge who told us not to be fooled by Trump's brushing it off. Here's what the judge wrote, quote, the judge in that case wrote, Mr. Trump attempt to minimize sexual abuse, finding it frivolous. Mr. Trump raped her. No, I mean, it's the judge's language, not mine. Raped her. अगर आप ठीक से सुन या समझ नहीं पाए हो तो आपको बता देते हैं कि प्रेसिडेंट जो बाइडेन लोगों को ये बता रहे थे कि अदालत में सेक्सुअल असॉल्ट से जुड़े एक मामले में जज ने डोनाल्ड ट्रंप के बारे में क्या कहा। इस चुनावी सभा में राष्ट्रपति जो बाइडेन एक तरह से डोनाल्ड ट्रंप को रेपिस्ट बता रहे थे। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ये बात 12 जुलाई को डेट्रॉट मिशिगन में कही और ठीक एक दिन बाद 13 जुलाई को पेंसिल्वेनिया में डोनाल्ड ट्रंप पर जानलेवा हमला हो गया। हमलावर को मार गिराया गया। उसकी उम्र 20 साल बताई गई है। अमेरिका की इस घटना का भारत पर जबरदस्त असर पड़ा है। लोग देख रहे हैं कि अमेरिका का राजनीतिक माहौल कितना विषाक्त हो गया है। वहाँ पक्ष और विपक्ष के बीच कड़वाहट इतनी बढ़ गई है कि नेता एक दूसरे के बारे में कुछ भी बोल देते हैं, जिसका दुष्प्रभाव पूरे समाज पर पड़ता है। भारत में लोगों की चिंता ये है कि हाल के दिनों में यहाँ भी पक्ष और विपक्ष के बीच कड़वाहट चरम पर जा पहुँची है। आरोप प्रत्यारोप में सभी तरह की सीमाएं लांघी जा रही हैं। ऐसे में उन्हें ये डर सता रहा है कि क्या अमेरिका की घटना भारत में भी दोहराई जा सकती है।